कदनो योग है स्नोफॉल मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है, गांव का नाम डबरिया है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, जहां पर कम से कम 3-3.25 महीने के बाद जो बारिश हुई है, किसान जो थे ये आसमान की तरफ आंखें लगा करके बैठे हुए थे कि कब प्रभु हम पर कृपा करे, क्योंकि उधमपुर का टोटल एरिया जो है ये बारिश के ऊपर निर्भर करता है, इनके सोर्स कोई नहीं है कोई नहर का। इसीलिए किसानों ने ये जो फसल लगाई होती है ये परमात्मा के सहारे हम जो है फसल लगाते हैं, तो ये जब बारिश नहीं हो रही थी तो हमारे जो हालात थे ये बहुत ही नाजुक थे, तो हम बहुत ही मायूस थे। हमें फसलें लगाई थी, ये सब्जी लगाई हुई आप देख रहे हैं, जो इसके लिए बारिश नहीं थी तो हम बहुत ही तंग थे। अभी ये बारिश हुई है ये 2 दिन से, तो पहाड़ों में देख रहे हैं आप बर्फ़ भी पड़ी हुई है और बारिश भी अच्छी हुई है, लगता है आसार अब अच्छे होंगे, आगे भी बारिश होगी तो हमारा कुछ बन पाएगा, नहीं तो ये बारिश अभी जनवरी के आखिर में जाकर के फरवरी में के महीने में हुए, इतना नहीं हो पाएगा, चलो फिर भी कुछ ना कुछ हमें इससे राहत महसूस ज़रूर हुई है। ये परमात्मा की कृपा हम समझते हैं कि ज़रूर हुई है। कोई भी इंसान होता है वो परमात्मा के सहारे जीता है, उसी के सहारे पर हम जो है निर्भर हैं। मेरा नाम सुमन है, हम डबरिया में रहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है। तो बारिश 3 महीने के बाद हुई है। अभी हम तो बहुत परेशान थे कि हमारी फसल कैसे हो पाएगी कैसे नहीं, बारिश के सारी ही होती है। तो अभी बारिश हुई 2 दिन से तो हम खुश हैं। तो हमने मटर लगाए हैं, मूली वगैरह, शलगम, गोभी, तो गट गोभी भी लगाया, फूल गोभी लगाया, तो सरसों भी लगाई है। हमारी फसल अच्छी है बारिश से, तो पहले तो हम परेशान थे तो अभी खुश हैं। अभी